हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 20 पढ़ रहे हैं और 20 में हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व व्हेन द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन द पैरामीटर। यानी कोई हमारे पास इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो पैरामीटर के, तो उस कंडीशन में हम उसका एनवेलप किस तरह से निकालते हैं। मतलब कि हमारे पास ये कह रहा है, अगर हमारे पास इक्वेशन की जो फॉर्म है जनरल फॉर्म वो इस तरह से हो, एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू एल्फा ए एल्फा स्क्वायर ए प्लस एल्फा बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे ए बी और सी जो होंगे फ्रेंड्स, ए बी और सी एक्स और वाई के फंक्शन है, जबकि एल्फा एल्फा जो है वो एक पैरामीटर है। तो इस कंडीशन में अगर हमें इसका एनवेलप निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, तो इसका एनवेलप निकालने के लिए सिंपली डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई एल्फा या डेल एफ अपॉन डेल एल्फा एन विद रेस्पेक्ट टू एल्फा, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास टू एल्फा ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो है कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, ये एक्स और वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स और वाई का फंक्शन है, तो इस कंडीशन में आ जाएगा टू एल्फा ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर इसको हम जीरो, ये जीरो हो गया जीरो, यहां से हमारे पास ये आ जाएगा एल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। तो यहां से एल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए आ गया। अब फिर एल्फा की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, तो ये हमारे पास जब इक्वेशन वन में पुट की हमने, तो यहां से आ जाएगा बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए, या बी अपॉन टू ए कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस को हम अंदर से हटा सकते हैं। ये हो गया ए प्लस एल्फा माइनस का बी अपॉन टू ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास इसका एनवेलप आ जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहे तो इसको और सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन यहां पे आएगा तो फोर ए स्क्वायर आएगा, फोर ए स्क्वायर डॉट ए, तो ए से ए इसकी एक पावर कट जाएगी, ये हो गया प्लस। अब अगर यहां देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन, क्योंकि इस माइनस की वजह से, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी, ये हो गया। अब अगर यहां से बी स्क्वायर हम कॉमन लेना इक्वल टू जीरो, अगर हम यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेना चाहें तो उन पर इन वाली टर्म को इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन आ गया और ये हो गया हमारे पास वन, अंदर बचा हमारे पास वन अपॉन फोर ए माइनस वन अपॉन टू ए, तो यहां पर इसको भी हम माइनस कर सकते हैं एलसीएम लेके, अगर हम चाहें तो इसको फोर ए एलसीएम आ जाएगा, तो वन माइनस ये हो गया टू, यानी माइनस वन अपॉन फोर ए, तो ये हो गया हमारे पास माइनस वन अपॉन फोर ए, ये हो गया प्लस सी इक्वल टू जीरो, या यहां से हो गया हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन फोर ए माइनस का प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बस ये जो कर्व आई है हमारे पास, या यहां से हम फोर ए का दो तरफ मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का प्लस फोर ए सी अपॉन जीरो, या यहां से करें बी स्क्वायर माइनस दो तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करें तो फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो फाइनली जो हमारे पास जो कर्व आई है वो आई है हमारे पास, इसका जो एनवेलप आया है, इस इक्वेशन का एनवेलप आया है वो आया है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से इसका एनवेलप हम निकाल सकते हैं। तो फिर हमने सिंपली क्या हुआ, ये जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, जस्ट हमने ये बताया कि अगर इस केस में हो तो हमें ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं होती, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जैसा कि हम रूट के लिए फॉर्मूला याद रखते हैं वो वही फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। बट यहाँ बस चेंज इतना है कि बी और ए, बी ए और सी सभी एक्स और वाई के फंक्शन है, तो इस तरह से हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म में होने पर एनवेलप निकाल सकते हैं इजीली। थैंक यू फ्रेंड्स।